स्ट्रेटजी फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम। देखिएगा आराम से हम बात करते हैं। देखिए आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट हो जो बोध ग्रुप के हैं, और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो जो सिंगल ग्रुप दे रहे हो। सिंगल ग्रुप स्ट्रेटजी आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर नंबर 14 जो आपका है एसएफएम। पेपर नंबर 14 एसएफएम की हम बातें करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिएगा एसएफएम में आपके पास टोटल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर जो चैप्टर्स होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, फॉरेक्स और डेरिवेटिव, अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस ये तीन चैप्टर आपके एग्जाम में अप्रोक्स 65 से 70 मार्क्स कवर करते हैं। हाँ बिल्कुल ऑफलाइन होंगे, मैं उसी हिसाब से चल रहा हूं जो पहला पैटर्न था ऑफलाइन का, बट जब तक अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता चैप्टर तो वही है। स्ट्रेटजी भी पढ़ाई की हमें रखनी है। अगर पेपर ऑनलाइन होते हैं तो भी हम तैयार करेंगे अपने आप को, ऑफलाइन है तो भी हमारे पास हर तरह के क्वेश्चन हमें करने आने चाहिए। तो पेपर नंबर 14 में हमारे पास ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि आपके 65 से 70 मार्क्स कवर करते हैं। आफ्टर दैट कैपिटल बजटिंग हाँ, अभी नहीं आया है बिल्कुल। अभी हम कुछ भी अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि अपना अपने को अपनी प्रिपरेशन दोनों मोड के लिए बराबर रखनी है कैसा होता है। लीज डिसीजन एंड म्यूचुअल फंड, ये ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। दस से 15 नंबर और दस से 15 नंबर। आपको ये चीज अच्छे तरह से पता है कि आपका जो टोटल पेपर आता है वो 132 मार्क्स के आता है, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होता है।
अब हमारे पास ये कवरेज है हमारे पेपर नंबर 14 SFM का। नाउ बात ये आती है हाउ टू रिवाइज द सिलेबस। आप एक बार अगर अपना सिलेबस कर चुके हैं या अगर आप अभी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी हम अगर अपने आप को प्रॉपर प्लान के साथ चलते हैं तो हम आसानी से इसको कवर अप कर सकते हैं। तो देखिएगा आपके ये जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपको इनकी एक्सपर्ट नॉलेज होनी चाहिए। नाउ अब अकॉर्डिंग टू द पास्ट अगर मैं एक्सपीरियंस पे जाता हूं, जो लास्ट ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी पेपर हुए तो यहां पर उन्होंने थोड़ा सा पेपर पैटर्न में क्वेश्चन के देने के पैटर्न में चेंज किया, यानी स्टडी मटेरियल और स्कैनर के बाहर जाकर भी इन्होंने क्वेश्चन दिए। चाहे आप प्रीवियस ऑनलाइन पैटर्न ले लो, चाहे आप लास्ट इयर्स के ऑफलाइन पेपर्स उठा लो, इन तीनों में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इनमें आएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में मॉड्यूल का क्वेश्चन आए, स्कैनर का आए, कुछ नए क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं, कुछ पुराने भी रिपीट होते हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर। तीनों चैप्टर थोड़े डिटेल्ड हैं तो आपको इनको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना पड़ेगा। ठीक है कि आपको हर एक टॉपिक, अब बात यह आती है कि सर हमारे साथ दिक्कत आती है कि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सबसे पहले आप एक चैप्टर इंडेक्स तैयार करो कि आप अगर फॉरेक्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो व्हाट आर दी टॉपिक्स जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ताकि कोई भी टॉपिक हमारा रह नहीं जाए, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर रह जाता है पता लगा इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको टॉपिक लिखने हैं फिर इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करना है इस टॉपिक को। इन चैप्टर्स का को आपको 2 टाइम्स करना होगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इन चैप्टर में। ठीक है, अगर आप इनको भी 2 टाइम्स करते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो 1 टाइम सफिशियंट है। इजी चैप्टर है, एक प्रॉपर फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, तो ये 1 टाइम में आप इसको कवर अप कर सकते हो। तरीका इसमें भी आप यही रखिए, पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कितने तरह के क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं, ताकि कोई भी आपका जो पॉइंट है वो अनटच्ड न रह जाए। देन अब बात आती है कि इनको टाइम, तो देखिए क्या होता है, अगर मैं मानता हूं कि आप इनको बहुत प्रॉपर कर रहे हैं तो पेपर नंबर SFM को फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, यानी फॉर टुमारो ऑनवर्ड्स, आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं आपको अप्रोक्स 2.5 आवर्स डेली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पास्ट पैटर्न इसका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है, तो यू नीड टू स्टडी हार्ड, तो आपको इस पेपर को 2.5 आवर्स डेली देना चाहिए। हाँ आप ऐसा जरूर कर सकते हैं जब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाए, यहां आकर आप 2 घंटे का टाइम पीरियड अलॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट अभी जब आप इन चैप्टरों को, और स्टार्टिंग भी इन्हीं चैप्टरों से करना है, द रीजन अभी आपके पास टाइम है, छोटे चैप्टर उठाओगे तो पता है क्या होगा, जब इन चैप्टर को करोगे तब तक कुछ समय निकल चुका होगा और एग्जाम पास आने लगेंगे, तो इट इज बेटर आप पहले इस 70 नंबर पर फोकस करोगे आप। क्लियर है बिल्कुल? नाउ पॉइंट नंबर 2, देखिएगा इनसे रिलेटेड मैंने कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स बना दिए हैं,
बट समस्या जो है आपके सामने वो ये है कि अभी तक आप लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है। मैंने ग्रुप में कुछ SCM के और दो तीन मॉक टेस्ट पेपर डाले थे, बट आप लोगों ने किसी ने भी सॉल्व करके नहीं भेजे, एक दो स्टूडेंट के अलावा। देखो, पढ़ना ही सही नहीं है, पढ़ने के बाद आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना या ये एनालिसिस करना कि वो टॉपिक तैयार भी हुआ या नहीं हुआ। क्या हम रेडी हैं एक गिवन टाइम पीरियड में एक पेपर को करने के लिए? क्या हम रेडी हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए? क्या हम रेडी हैं कि जब एक अनसोल्व क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हम उसको कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं? तो नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स मैं इसको टेस्ट पेपर की जगह आप में ग्रुप में कुछ कुछ क्वेश्चंस डालता रहूंगा हर एक दो दिन में। सब टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, मैं सबके ही डालूंगा। हो सकता है कोई पोर्टफोलियो कर रहा हो सकता है कोई फॉरेक्स कर रहा हो, कोई कोई दूसरा चैप्टर कर रहा हो। तो मेरा जो रूल रहेगा, मेरा जो पैटर्न रहेगा कि हम अपने ग्रुप में, जैसे मैंने 10 क्वेश्चन पोर्टफोलियो के डाल दिए, 10 क्वेश्चन फॉरेक्स के डाल दिए, इस तरह से हम चलेंगे, ठीक है? हालांकि आप अगर इन्हीं ऑर्डर को फॉलो करो तो वेल एंड गुड है, मैं भी फिर इसी ऑर्डर में चलाता रहूंगा। बट जैसे अभी मैं जो लाइव ले रहा हूं वो फॉरेक्स ले रहा हूं, तो या तो सभी जने इस पैटर्न पर आ जाएं कि अगर मैं पहला चैप्टर फॉरेक्स पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी फॉरेक्स को प्रिपेयर करना चालू कर दें, और साथ साथ मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस भेजता जाऊं आप मुझे उनको सॉल्व करके भेजें। बट ये बहुत जरूरी है कि आप सब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तभी आपको ये पता लगेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में आपका तैयार हुआ भी है या नहीं। हम पढ़ते तो जा रहे हैं बट एक्चुअल में हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हो रहा है। तो नाउ अब आप बिल्कुल सिंसियर हो जाइए, आज 21 तारीख हो चुकी है, फर्स्ट चैप्टर आप सभी लोग फॉरेक्स उठाएंगे SFM में, एंड इस फॉरेक्स को आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट बेस्ड करें। इससे एक और फायदा होगा, जिन लोगों ने क्लासेस सुन ली हैं बट अगर मान लो करते समय कोई दिक्कत आ रही है, तो जो लाइव टॉपिक चल रहे हैं, आप अगर किसी टॉपिक में अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाए तो यू कैन ज्वाइन लाइव क्लास, आपका वो टॉपिक वापस रिवाइज हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि भाई हमने फॉरेक्स रिवाइज कर लिया, हमें ये 4 टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो फॉरेक्स का लाइव बैच चल रहा है, आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉरेक्स डेरिवेटिव दोनों अभी मैं कंटिन्यू में चलाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं में दिक्कत आती है, इन चैप्टरों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों को, तो इसलिए अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको इस टॉपिक को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी SFM की, 2.5 घंटे आपको डेली इसको देने हैं। आइए, अगला हम बात करेंगे पेपर नंबर 15 विच इज SCM, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। देखिएगा नाउ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग, देन आपका जो स्टडी नोट नंबर 1 है, स्टडी नोट नंबर 1 दैट इज, इसमें आपके पास टारगेट कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और स्टडी नोट नंबर 4 जो आपका है ABC एनालिसिस यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और GIT, और स्टडी नोट नंबर 5 जो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन दीज, यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑन
दीज, ये अप्रोक्स आपका 50 मार्क्स का कवरेज ले जाएंगे। यानी बेसिकली अगर मैं बोलूं तो स्टडी नोट 1, 2, 4 एंड 5, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का जांच जाने आपका स्टडी नोट नंबर 2 है। मैंने इन्हीं के कई क्वेश्चन भी भेजे थे, बट अभी तक मेरे पास एक या दो स्टूडेंट्स के अलावा और किसी ने भी उनको सॉल्व करके नहीं भेजा, और इसी वजह से फिर मैं उनकी डिस्कशन क्लास नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि जब तक सब भेजोगे नहीं, लेकिन अब जो करेगा मैं उसका डिस्कशन करता चलूंगा, जो नहीं करेंगे वो फिर मैं अब क्या करें भाई, जो करेंगे उनका नुकसान मैं नहीं करूंगा। इनके मैंने काफी मॉक टेस्ट पेपर बना रखे हैं, 3 मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं, बिल्कुल सौम्या यही तो हम बात करेंगे, तभी तो मुझे उनको डिस्कस करना है कि भाई मैंने डिसीजन मेकिंग का जो भेजा वो क्यों टफ लगा। अगर सारे रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, सारी चीजें, अगर इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है, आप समझो मैंने वो बिल्कुल नए क्वेश्चन लिए हैं, कहीं नेट से ढूंढे, कुछ किताबों से, रेफरेंस बुक्स से लिए, बट मैं सिर्फ वो जो क्वेश्चन मैंने बनाए दैट इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग के उस मॉक टेस्ट पेपर में आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है। बाकी जनों ने अभी ट्राई नहीं किया है, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप उनको करें, वो आपके ही फायदे के लिए मैं बना रहा हूं। मैं इतने एफर्ट्स इसीलिए लगा रहा हूं ताकि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आए, लेकिन अब आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। आप करिए, आप सभी ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, नहीं है तो मुझे बता दें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को इतना परफेक्शन से करें कि हाँ हमें लगना चाहिए कि यार हम एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो 3 मॉडल टेस्ट पेपर इस टॉपिक के, SCM के इन्हीं टॉपिक के मैं भेज चुका हूं, 2-3 और रेडी हैं, बट मैं रुक गया क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उन 3 में से मुझे किसी के सॉल्यूशन ही नहीं भेजे गए। तो अब मैं उनका डिस्कशन चालू करूंगा, अगर आपने करे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करे हैं तो आप जल्दी कर लें उसको। इसके बाद हमारे पास सर आप डेट बता देना कब करोगे। मैं मंडे से डिस्कशन चालू कर दूंगा, मंडे ऑनवर्ड्स मैं सारे सब्जेक्ट्स को ही कवर करवा रहा हूं। आप देखो मैं एक चीज जानता हूं, मैं मानता हूं आप दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ रहे होंगे, बट देखो मैं एक और चीज आपको बताता हूं, यहां से रिवीजन चालू होना मस्ट है। आप भले ही दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डिफिकल्टी और जो दिक्कत पेपर में आती है आपको रिवीजन धीरे धीरे उठाना ही पड़ेगा। पता है रिवीजन के बिना सब कुछ बेकार है। हाँ सौम्या, रिवीजन के बिना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कितनी क्लासेस पढ़ लो, कितने लेक्चर सुन लो, आप चाहे लाइव ले लो, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे ऑल आर वेस्ट। और रिवीजन के बाद जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे सब कुछ बेकार। द रीजन इज आपको एग्जाम में जो चीजें फेस करनी है वो इन्हीं से पता लगेंगी आपको। अभी मैं उसमें केवल ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं, समझ रहे हो, क्योंकि अभी तक का पैटर्न में ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव कोई सा भी पैटर्न हो आएंगे ही आएंगे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन साथ साथ में वो भी डालूंगा जो अगर ऑनलाइन होता है तो सेक्शन CD कवर हुआ, और अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो वैसे भी आएंगे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। आप समझ रहे मेरी बात को, पेपर पैटर्न कुछ भी हो, अगर पेपर पैटर्न ऑफलाइन हुआ तो भी सब्जेक्टिव बड़े क्वेश्चन आएंगे, अगर पेपर ऑनलाइन पैटर्न पर जाता है तो भी आपका सेक्शन CD तो उन्हीं चीजों का बनेगा, उन्हीं चीजों का आपका बनेगा, तो आपको वो चीज कवर करनी है। नाउ नेक्स्ट है OR। OR का वैसे वेटेज बताया जाता है 30 मार्क्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि पेपर में OR 30 नंबर का ही आएगा, कम का भी कर देते हैं ये कई बार, कम का भी कर देते हैं, जिसमें आपके पास
एलपीपी और पर सीपीएम. यू हैव टू फोकस ऑन दीज टू चैप्टर्स स्पेशली. ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली इन एवरी अटेम्प्ट. In every attempt. और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल, यानी आपको प्रैक्टिस चाहिए. जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी उसकी फॉर्मुलेशन बनाने, पर सीपीएम में क्रशिंग टॉपिक होता है, वो बच्चे जनरली नहीं करके जाते. तो यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर. बिल्कुल, मैं उसी आधार पर चल रहा हूं. पहले ये 55 नंबर कवर करो, अभी टाइम है. देखो समझो, ये बाद में भी कवर होते हैं. मैं आपको ये ऑर्डर जो लिख रहा हूं ना, यही आपको फॉलो भी करना है. फर्स्ट इन एससीएम वी हैव टू फॉलो दीज फोर स्टडी नोट. स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 2, स्टडी नोट नंबर 4 एंड 5. 4-5 छोटे हैं, आप पहले इनको भी कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बट यू हैव टू कवर दीज स्टडी नोट्स For your 55 marks, आप समझिए आधा पेपर कवर हो गया आपका. आप कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, 50 से 55 नंबर का पेपर, इवन 60-65 तक भी चला जाता है. After that, जो बचे हुए टॉपिक आपके पास है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बिल्कुल लास्ट में करो. फॉर्मूला बेस्ड है. इसमें समस्या ये है, हम अगर बेसिक क्वेश्चन आता है तो हम इजीली कर सकते हैं, और कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा आ गया तो वो सबके लिए बराबर है. क्यों? क्योंकि इतने फॉर्मूले, इतनी वैरायटी हैं, तो हम वहां तक नहीं जा पाते. एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, फिक्स्ड है, वो तो आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते. बट हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं. आप सोचो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 100 नंबर पे जाओ. 55 प्लस 30 कितना हो गया. अगर आप 85 का क्वालिटेटिव, देखो हमेशा ध्यान रखना क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर भरोसा रखना. हाँ, मैं मानता हूं करना सारा है, ओवरव्यू हर टॉपिक का आपको होना चाहिए, बट एक ऑर्डर होना चाहिए जिस ऑर्डर में आप चलो, ताकि आप उसको क्या कर सको, अचीव अपने गोल को कर सको. तो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर एससीएम. ठीक है, एससीएम में आपको रिवीजन पर्पस के लिए 1.5 आवर्स सफिशिएंट है. ठीक है, टाइम थोड़ा हो सकता है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट अब अकॉर्डिंगली इतना टाइम तो आपको देना ही चाहिए. आओ आगे बढ़ते हैं. पहले मैं एक बार जो मेरे पेपर्स हैं मैं उन पर बात कर लूं, फिर मैं आपके पास बात करूंगा अदर पेपर्स पर. हाँ श्रेया, देखो एससीएम का अगर मुझे ये लगता है कि किसी टॉपिक में अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो एक बार हम सभी स्टूडेंट्स मुझे जब भेजेंगे तो मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आ रही है. जैसे मैंने वो मॉक टेस्ट भेजे, अब अगर आप मॉक टेस्ट करोगे तो मुझे पता लगेगा ना कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है. इन केस ऐसा होता है तो हम कुछ क्लासेस एक इस पैटर्न पर कि मैं आपको समराइज कर दूं चैप्टर कि कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है, हम वो कर लेंगे. बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन रख सकते हैं, लेकिन पूरे टॉपिक नहीं हो पाएंगे. लेकिन हाँ, अगर हम आप लोग टेस्ट पेपर्स को साथ साथ करोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कहाँ कॉन्सेप्ट आप लैक कर रहे हो, और मैं उसी अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कशन करूंगा. उसके लिए जरूरी है आप टॉपिक तैयार करके मेरे साथ साथ उसको कवर करें. पेपर नंबर 17 जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है सीएफआर, काफी बड़ा टॉपिक है. देखिएगा, द स्ट्रेटजी फॉर सीएफआर देखिए, इंडेस 102
इंड एस 103 और इंड एस 110। इनका वेटेज होता है 35 से 40 नंबर। अगर मैं ऑफलाइन पैटर्न पर बात करता हूं, ऑनलाइन पैटर्न में अभी इनका वेटेज थोड़ा इन्होंने कम किया और लगभग 20 से और 26 नंबर के बीच में इन्होंने वेटेज दिया, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन पेपर चालू हुए आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस काफी बढ़ गए। फिर भी देखिएगा, ये तीन चैप्टर हमेशा से ही सीएफआर में इंपॉर्टेंट रहे हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का दायरा ये है कि एज पर योर इंस्टीट्यूट ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, All AS are applicable except AS 30, 31 and 32। इनके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है वो बोलता है ऑल एएस आर एप्लीकेबल। बिल्कुल, सीएफआर का कोर्स बहुत लेंदी है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत वैरायटी है इन तीन में, 103, 110 बहुत वैरायटी है। आपको यहां पर बहुत स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। नहीं, हमें डरना नहीं है, बट एक स्मार्ट स्टडी पर जाना है। देखिए, अगर इसमें आपको लगता है तो यू कैन स्टार्ट 102, आफ्टर दैट आप इस पर आ जाएं सीधे। 103 और 110 को थोड़ा ब्रेक लेकर करें, इनमें आप प्रायोरिटी रख सकते हैं। पहले जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एस हैं, एस 2, एस 7, एस 9, एस 10, एस 15, एस 16, एस 19, एस 20, एस 22, एस 25, एस 26 और एस 28। प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू दीज एस। जब ऑफलाइन पेपर होता था तो भी मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं एस पर बनते थे, ऑनलाइन में भी बने। हालांकि ऑनलाइन में इन्होंने बाकी एस को भी कवर किया, तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया जो बेसिक और एस है हमारे, लेकिन उनको हम अगली प्रायोरिटी पर डाल सकते हैं। अच्छा, एक और है, इसके भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, एस 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, एस 4, एस 12, एस 11, एस 17, एस 29 करने ये भी हैं, लेकिन ये थोड़े इजी हैं, कवर अप हो जाते हैं जल्दी, इनमें उतना समय आपको नहीं लगता जितना इनमें लगेगा। गुडविल प्लस शेयर वैल्यूएशन, आठ नंबर का वेटेज है, बहुत अच्छे से करो। हालांकि देखिए, ऑनलाइन पैटर्न में तो इन्होंने इसको वैसे ही छोड़ दिया था। अभी पिछला जब पेपर हुआ तो गुडविल और शेयर्स अकेला ही चैप्टर 20-22 नंबर का आया था, तो ऐसा नहीं है कि 8 से 10 का ही आएगा, ज्यादा भी आ सकता है, कम भी हो जाता है, बट कंपैरेटिवली इसको करना आसान होता है और क्वेश्चन जरूर आएगा।
फिर उसके बाद आप उठाइए गवर्नमेंट अकाउंटिंग, अगर ऑफलाइन पेपर होता है या ऑनलाइन पेपर होता है, दोनों ही सिचुएशन में 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग से। नाउ अगेन फर्स्ट फोकस ऑन दीज, रिमेनिंग टॉपिक्स बाद में करो सारा, लेकिन आप पहले मेरा कहने का मतलब समझिए, हर पेपर में 85 मार्क्स को स्ट्रॉन्ग करो पहले, हर पेपर में 85 मार्क्स को आप स्ट्रॉन्ग करो, वो बहुत जरूरी है आपका। अगर आपने 85 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया नहीं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग थ्योरी है ना, क्योंकि क्या होगा अभी आप पढ़ भी लोगे तो भी वापस बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो इसको बाद के लिए ही रखना है हमें, थ्योरी है, आप अभी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, या ऐसा कर सकते हो एक दो बार पढ़ के रख दो लेकिन बाद में आपको ये वापस करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 8 से 12 नंबर एक बहुत बड़ा वेटेज है, तो इसको बहुत अच्छे से करना है और उसके लिए आपको इसको बाद में ही करो, ज्यादा बेस्ट है, अभी आप कर दोगे फिर जब बाकी सारी चीजें करोगे तो इसको स्किप कर चुके होगे, भूल जाओगे आप। इतना होने के बाद हम आगे बढ़े कि हमारे पास बचे हुए टॉपिक्स को हमें करना है, लेकिन प्रायोरिटी शुड बी इन दिस मैनर, यानी मेरी बात फिर सुन लेना, SFM में ये ऑर्डर रहेगा आपका, SCM में ये ऑर्डर रहेगा, CFR में ये ऑर्डर रहेगा, ये 3 मेजर पेपर हैं आपके पास जिनको आपको कवर करना है, इसका भी एटलीस्ट आपको 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इन केस इनमें भी मैं कोशिश करूंगा आप जो मॉक टेस्ट देंगे उसके बेसिस पर अगर लगता है कि किन्हीं टॉपिक में ज्यादा सिचुएशन खराब है, हमारे कॉन्सेप्ट वीक हैं, लेकिन पता है वो प्लानिंग तभी हो सकती है जब आप पेपर सॉल्व करके मुझे भेजेंगे, तो मैं उनको आपको लाइव लेकर करवा दूंगा, इसमें भी इसी तरह से होगा। थोड़ा सा 10 मिनट मुझे और देंगे, आपके पास एक पेपर है डीटी, एक पेपर है लॉ और एक पेपर है आईडीटी। देखिए डीटी भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट मांगता है, तो अकॉर्डिंगली मेरे हिसाब से 2 आवर्स इसको आपको डेली देने चाहिए। CFR को भी आपको करीबन 2 आवर्स देने पड़ेंगे, देखिए इतनी सिटिंग तो अब आपको देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप्स, जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनका भी, जो एक ग्रुप दे रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के आवर्स को टोटल कर लें। देन आप स्विच ओवर कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको लगा कि हमने 2.5 घंटे करके ज्यादा कर लिया, 2-3 चैप्टर हो गए बड़े बड़े, इसके टाइम को रिड्यूस कर दो, डीटी का टाइम बढ़ा दो, वो देखिए पर्सन टू पर्सन भी टाइम वेरी करेगा। लॉ 1.50 आवर्स, आईडीटी भी 1.5। अब ये कितने आवर्स हो गए बोध ग्रुप वाले बच्चों के लिए, जरा जोड़ो, 2.5 और 1.5, 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 आवर्स सिटिंग फॉर बोथ ग्रुप, 11 आवर्स सिटिंग फॉर बोथ ग्रुप। सर हाँ जी, आप ऐसे बता सकते हो क्या कि मतलब एवरेज ए मतलब 2 घंटे अगर आप बैठ रहे हो तो कितना कंटेंट कवर हो जाना देखो चाहिए, ये क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है एक्चुअली कि में हाँ
मैं बताऊं एक्चुअली में ना कंटेंट जो कवरेज होता है ना वो पर्सन टू पर्सन की एबिलिटी पर होता है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, आपको जो पढ़ना है ना वो कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, टाइम पर मत जाओ। देखो क्या होता है, कई बार जल्दी करने के चक्कर में हम क्वालिटी बिगाड़ देते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चों की आदत होती है यार चलो हमने 1 वीक एफएम को अलॉट कर दिया, अब हम 1 वीक में पूरी एफएम कर डालेंगे। एफिशिएंसी नहीं आती, शुरू के 1 दिन 2 दिन आप पूरे दिन एफएम पढ़ोगे ना, पढ़ लोगे, तीसरे दिन से आपकी एफिशिएंसी गिरने लग जाएगी, दिमाग काम करना बंद करेगा। ये होता है, हमें पता ही नहीं लगता कभी भी। एक तो ये चीज मत करो कभी भी कि हमें एक ही एक सब्जेक्ट पढ़ते रहें दिन भर, टाइम को स्लॉट करो, बांटो। उससे पता है क्या फायदा होता है, 2.5 घंटे तक तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे ना वो बहुत अच्छे से समझ आते हैं। एक्चुअली मैं जनरली मैंने ये देखा है, मैंने बहुत बच्चों से बात की है, बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात पर आती है, वो एक सब्जेक्ट लेकर बैठ जाते हैं, 7 दिन में खत्म कर दिया, फिर अता पता ही नहीं, 20-25 दिन बाद फिर उठाया पता लगा आधी चीजें तो भूल गए। क्यों? क्योंकि टच छोड़ दिया आपने सब्जेक्ट का। चेंज करो अपनी स्ट्रेटेजी को, कम से कम 3 या 4। देखो मैं ये मानता हूं जो दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं अब वो एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन पर तो हैं जो बोध ग्रुप दे रहे हैं कि लगभग लगभग कितने आवर्स पढ़ोगे, 11 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। पहली चीज मे बी पॉसिबल, हो सकता है आप कम पढ़ रहे हो, इतना टाइम तो मिनिमम है अभी, अभी तो 2 सब्जेक्ट बाकी है, 6 ही सब्जेक्ट कवर हुए हैं अभी तो। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूं अभी, उन 2 पर भी टेंशन मत लो। लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आप में से जो बोध ग्रुप दे रहे हैं वो एटलीस्ट अभी इस पोजीशन पर हैं कि वो डेली के 11 से 12 घंटे निकाल पाए। आप मुझे 2 मिनट में बता दीजिए, जो बोध ग्रुप दे रहे हैं क्या वो 11 से 12 घंटे निकाल पा रहे हैं या उससे कम है अभी आपके? जल्दी से बताइए, जो बोध ग्रुप दे रहे हैं क्या वो 11 से 12 घंटे स्टडी को दे पा रहे हैं या नहीं? सर निकल तो जाते हैं पर क्लासेस में निकलते हैं, वो थोड़े रिवीजन में नहीं निकलते हैं। हाँ वो चीज मैं समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, अगर आप क्लासेस देख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम को बांटो। क्लासेस देखने से कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं कर लोगे। आप अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एसएफएम की क्लास देख रहे हो, टाइम स्लॉट चेंज कर दो, 2.5 घंटे को ब्रेक करो क्लास और रिवीजन, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स रिवीजन मस्ट बी नेसेसरी, अदरवाइज। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप मेरे मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, 20-22 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ऑल आर वेस्ट, विदाउट रिवीजन सब कुछ वेस्ट है आपका। कितनी सुन लो आप क्लासेस, तो अगर आप क्लासेस सुन रहे हो तो टाइम स्लॉट को बांटो। आप क्लासेस सुन रहे हो, रिवीजन करना है, अगर आपको लगता है कि अभी क्लासेस ज्यादा बाकी है, इसको मैंने 1.5 घंटे कर दिया, 1 आवर फिर भी मेरा रिवीजन जाएगा ही जाएगा, मस्ट बी नेसेसरी। 2 घंटे हैं अब, इन केस मान लो आपको लग रहा है कि यार नहीं, हाँ सौम्या अभी मैं उस पर भी बात कर लूंगा, नहीं तो वो बाद में बता दूंगा मैं, डोंट वरी। अगर आपको लगता है कि नहीं सीएफआर की अभी हमारी क्लासेस भी ज्यादा बाकी हैं और 2 घंटे में कुछ नहीं होगा और रिवीजन भी करना है, इसमें प्लस 1 आवर और जोड़ोगे क्योंकि इसका कोर्स बहुत बड़ा है, तो ये 1 आवर रिवीजन होगा, 2 आवर क्लास के लिए होगा। नो यू नाउ यू हैव टू इंक्रीज योर टाइम, बस सबसे बड़ी बात यही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यू हैव टू इंक्रीज योर टाइम। अब आपको बात आती है कि सर हम एकदम से कैसे बढ़ाएं, कोई बात नहीं है, आप इस पूरे स्केड्यूल को 1 अक्टूबर से फॉलो करेंगे। आपके पास अभी जो 8-9 दिन हैं, आप ये देखो कि आपकी सिटिंग इतनी पहुंच जानी चाहिए, फ्रॉम द 1 अक्टूबर मिनिमम आप लोगों के पास 11 से 12 घंटे का टाइम होना ही चाहिए। इट मस्ट बी नेसेसरी टू क्लियर एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ सब्जेक्ट तो कंप्लीट होंगे भाई, कुछ की क्लासेस चल रही होंगी, कुछ कंप्लीट होंगे, तो वहां पर टाइम स्लॉट को चेंज करो, उसको बांटो, रिवीजन और क्लास साथ चलाओ, बट रिवीजन मस्ट बी नेसेसरी।
मैं बार बार रिवीजन पर इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बहुत देखा है, क्लासेस बच्चे सारी सुन लेते हैं लेकिन एग्जाम के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं हुए क्योंकि हम रिवीजन ही नहीं कर पाए, फिर हम अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं। तो फ्रॉम टुमारो रिवीजन मस्ट बी पार्ट ऑफ योर स्टडी। नाउ अब आते हैं हम बचे हुए दो सब्जेक्ट पर। Now, अब देखो पहली चीज ये होती है कि अगर मैं 11 से 12 घंटे अगर दे रहा हूं और मेरे पास अब स्पेयर टाइम नहीं बच रहा, अब मुझे नहीं पता कौन कितनी सिटिंग बढ़ा सकता है, 11 से 12 तो मिनिमम है, लेकिन 11 घंटे तो सर हमारे 6 सब्जेक्ट पर हो गए, अब इन दो का क्या करें? कोई बात नहीं, ये जो 11 घंटे 12 घंटे की स्टडी है ये आप ले जाओ 5 डेज अ वीक। बहुत ध्यान से सुनना, आप जितना भी समय दे रहे हो 6 सब्जेक्ट को, ये आपको देने हैं 5 डेज ऑफ वीक। अब बचे 2 दिन, वो यहां अलॉट करेंगे। अगर आप वीक में 2 दिन, अगर आप वीक में 2 दिन इनको देते हो और अगर मान लो डेली बेसिस पर 11 की जगह 12 अगर आप निकाल पाओ, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, 11 घंटे तो लॉक कर दो 6 सब्जेक्ट पर, वो तो लॉक हो गए आपके। और देखो अगर मैं ये मानू ना दिसंबर अटेम्प्ट का हर बच्चा फुल फ्लैश पढ़ाई पर ही होगा, ना उसका कोई ऑफिस होना चाहिए ना और कोई सिचुएशन, तो मुझे नहीं लगता यार 24 में से आप 10-11 घंटे ना निकाल सको, और नहीं निकाल पा रहे हो तो यू हैव टू मैनेज इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इन केस अगर आपको लगता है 11 की जगह मैं 11.5 आवर्स निकाल पा रहा हूं, आधा घंटा शिफ्टेड टू पेपर नंबर 19-20, आधा घंटा शिफ्टेड टू पेपर नंबर 19-20, अदरवाइज कोई बात नहीं, अगर 11 के ऊपर नहीं निकाल पा रहे हो मत डरो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से जो मैं आपको चीज बता रहा हूं, यहां से लेकर आप 6 सब्जेक्ट को लेकर चलो, इसको वीक में 2 दिन दो, अभी जब आप इस मेजर पार्ट पर हो, आफ्टर वन मंथ आपके इन सब्जेक्ट्स में काफी कुछ टॉपिक तैयार हो जाएंगे। आफ्टर वन मंथ आप सोच रहे हो, 1 महीने जब इस स्केड्यूल को फॉलो करोगे तो कई चीजें कंप्लीट होंगी। नाउ देन आप डेली कहे 2 घंटे यहां पर डाल सकते हो आफ्टर वन मंथ, बट अभी डालना है एक्स्ट्रा टाइम निकालो, अभी आप केवल 2 दिन इन सब्जेक्ट को दो, 5 दिन अपना 11 घंटे का स्केड्यूल, और 2 दिन में इन सब्जेक्ट को लगभग आप ये मान के चलो इन 2 सब्जेक्ट को आपको 6-7 घंटे देने हैं, और बचे हुए 3-4 घंटे किसी भी सब्जेक्ट को आप दे सकते हो। ऐसा भी करोगे तो वीक में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वीक में 12-13 घंटे इन 2 पर मिल जाएंगे, और अकॉर्डिंग टू मी, मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, इन दोनों सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 0 से चालू करके 100% कंप्लीट करने में दोनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपको 120 से 150 आवर्स चाहिए। समझना मेरी बात को, 1 वीक में 12 घंटे देते हो तो डिवाइड बाय 12 अप्रोक्स, तो आपको लगभग 10 वीक चाहिए। आपको लगभग 10 वीक चाहिए, और चाहो तो 2 दिन में 8-8 घंटे भी दे सकते हो आप, बाकी सब्जेक्ट्स को कम करो, हम फोकस ही इन 2 पर कर रहे हैं। तो 10 वीक का मतलब ऑलमोस्ट मैं ये मानता हूं नवंबर तक 8 वीक होंगे, और मे बी पॉसिबल ऐसा कई बार होगा कि आप
इन सब्जेक्ट का कोर्स जब अक्टूबर में काफी कर चुके होंगे तो नवंबर में थोड़ा स्पेयर टाइम, तो नवंबर एंड तक आपके ये चैप ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाए। दिस विल बी द स्ट्रेटेजी। वीक के 12 घंटे बहुत हैं इन दो सब्जेक्ट के लिए, बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। अब आपके साइमल्टेनियसली आप जानते हो सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, सब्जेक्ट जब चेंज होते हैं तो एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कभी भी ये मत सोचो यार 2 घंटे में तो मैं 4 ही टॉपिक कर पाई, कोई बात नहीं, आप 4 भी कर पाए अगर परफेक्ट तरीके से तो वेल एंड गुड, 4 भी कर पाए तो वेल एंड गुड, बट टाइम अलॉट करो सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज। हाँ, अब मान लो आपको लगता है यार नहीं 6 की जगह हम क्या करें, दूसरा एक और स्ट्रेटेजी भी है, हम 6 सब्जेक्ट को न देकर इनके भी दिनों को ले लें। कि जैसे मान लो ये जो बड़े बड़े 4 हैं इनको तो देना ही देना है, यानी SFM, CFR और DT। सुनना, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को वो ऐसा भी लगे, हम ऐसा कर सकते हैं SFM, DT और CFR ये तो चला दो डेली, इनका जो टाइम है इनको तो चलाना ही पड़ेगा आपको डेली। बचे हुए 3 सब्जेक्ट आपके क्या बचे, SCM, लॉ। बस मैं ये चाहता हूं आप सबसे टच में रहो, इन तीनों को आप डिवाइड कर दो, मान लो 2 डेज 2 डेज 2 डेज, ऑटोमेटिकली टाइम इंक्रीज हो जाएगा। एक टॉपिक उठाओ उसको अच्छे से कवर अप करो 2 दिन में, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो वो प्लानिंग आपकी। बट मैं ये चाहता हूं एटलीस्ट 10 से 11 घंटे आपकी स्टडी अब रहनी चाहिए। अगर किसी की नहीं है तो सबसे पहले वो उसे 10-11 पर पहुंचाओ और इनको इस तरह से चलाओ। टाइम स्लॉट मत बांधो कि मुझे मॉर्निंग में ये पढ़ना है, दिन में ये पढ़ना है, कोई भी स्लॉट उठाओ उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो। द रीजन इज, मान लो जैसे आपने सोचा कि मुझे मॉर्निंग में 7 से 9 DT पढ़नी है, अब किसी भी रीजन की वजह से मान लो 7 के बजाय आप 7:30 बैठ पाए, तो आप बैठोगे ही नहीं और वो 9 बजे तक का पूरा स्लॉट आप बिगाड़ दोगे। टाइम कभी मत बांधो कि 7 से 9 ये पढ़ना है, दिन में 2 से 4 ये पढ़ना है, आर्स बांटो, उन आर्स को फॉलो करो। मैं 7:30 बैठी तो मैं 9:30 तक DT पढ़ूंगी, मेरी गलती है मैं 7 बजे नहीं बैठ पाई या बैठ पाया। अब बताइए और क्या डाउट है आपको, समझ में आ रही है प्लानिंग पूरी, तो आप मान के चलो 100% आप क्लियर कर लोगे, 100% आप क्लियर कर लोगे दिसंबर एग्जाम। बट यू हैव टू फॉलो, सबसे पहली चीज अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटजी इसी बात पर बेस्ड है, मिनिमम टाइम दिस, तो फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन दिस, ये लाओ तब ये स्ट्रेटजी प्रॉपर आप प्लानिंग कर पाओ। हाँ, अगर किसी को फिर भी जैसे टाइम स्लॉट जानना है तो मैं उसको पर्सनली थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा, क्योंकि देखिए टाइम स्लॉट पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, मुझे पहले उसके लिए आपका पूरा स्केड्यूल जानना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑन कॉल आपको बता दूंगा अगर किसी को भी पूरा एक टाइम स्लॉट भी जानना है कि मैं सुबह कैसे पढ़ूं दिन में, लेकिन वो मैं पर्सनली बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ योर्स, आपका डेली रूटीन क्या है। बट नाउ आपको 3 बातें बिल्कुल क्लियर कर लो आज अपने दिमाग में। पॉइंट नंबर 1, टाइम इतना लाना है आपको, अगर इससे कम है तो थोड़ा बढ़ाना चालू कर दो। पॉइंट नंबर 2, मैं जो मॉक टेस्ट डाल रहा हूं मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया है, तो आप प्लीज उनको टाइम टू टाइम सॉल्व करके मुझे भेजें ताकि मैं उनको इवेल्युएट कर सकूं और मैं सेशन रख सकूं। तो दूसरी चीज आपकी ये हो गई। तीसरी चीज, अगर आप क्लासेस भी सुन रहे हैं और रिवीजन भी करना है तो टाइम स्लॉट को बांट दो। बट मैं फिर बोल रहा हूं, द प्रायोरिटी नंबर दिस 1, प्रायोरिटी नंबर दिस 2, ये दोनों वो फैक्टर होंगे जो आपको पास कराएंगे।
पहला आपका टाइम स्लॉट बढ़ाओ, 11 घंटे मिनिमम चाहिए मुझे, 12 करते हो तो वेल एंड गुड है, 1 घंटा आप SPMBV कॉस्ट ऑडिट कर सकते हो, लेकिन 11 घंटे मिनिमम है। दूसरा, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर। मॉक टेस्ट पेपर का मतलब जो मैं आपको ग्रुप में जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भेज रहा हूं, सर, मॉक टेस्ट पेपर आप टॉपिक वाइज दोगे या फिर मतलब मैं टॉपिक चैप्टर वाइज ही वाइज? डाल रहा हूं, आप ग्रुप में हो, आपने खोल के ही नहीं देखे होंगे, नहीं देखे ना? सर पोर्टफोलियो वाला देखा था उसके बाद। नहीं, ग्रुप में जो डाला मैंने वो तो टेस्ट पेपर हुआ था एक अलग,